जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़ी दिन और जेकर मैं इतना तो जान गया जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती है। सालार के निर्देशक प्रशांत नील ने क्या बड़ा वादा किया? क्या वो कर पाएंगे इसको पूरा? क्या दीपिका पादुकोण ने प्रभास की फिल्म की तारीख ऋतिक रोशन को दे दी? आखिर ऐसा क्यों किया अभिनेत्री ने? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। प्रभास अभी साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस वजह से उनकी दावेदारी खतरे में है, क्योंकि अभी एक से एक हिट फिल्में रिलीज होने की तैयारी है। सोशल मीडिया पर भी अपने अपने पसंदीदा अभिनेता को बेस्ट बताने के लिए अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं उनके फैंस। लेकिन असली सुपरस्टार तो वही होगा जो भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का दिल जीत पाएगा। प्रभास अपनी बाहुबली सीरीज से पहले ही लोगों का प्यार पा चुके हैं, लेकिन ऐसा होने से लोगों की उनसे उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, तो वहीं इस बार उनकी दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें। यश ने भी अपनी फिल्म की KGF चैप्टर 1 से लोगों का दिलों में अच्छी खासी जगह बना ली है और इस फिल्म के दूसरे भाग के टीजर ने भी इंटरनेट पर धमाल मचा रखा है। अब यश और प्रभास के बीच लोगों का पसंदीदा सुपरस्टार बनने की रेस लगी हुई है, लेकिन प्रभास भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं है। खबर है कि वो KGF के निर्देशक प्रशांत नील के साथ फिल्म सालार करने जा रहे हैं। इस फिल्म का मुहूर्त पूजा से शुरू होगा और यह आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि निर्देशक इस फिल्म को जल्द ही खत्म करने का प्लान बना रहे हैं और इसी कोलैबोरेशन की वजह से निर्देशक ने प्रभास को कुछ वादा किया है। आइए आपको बताते हैं क्या कहा है उन्होंने अभिनेता को। अभी फिलहाल प्रशांत नील और प्रभास हैदराबाद में हैं और स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे रहे हैं। बाद में कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट के लिए अपनी तारीख को भी एडजस्ट कर रहे हैं। ताज़ा खबर है कि प्रशांत नील ने प्रभास के हिस्से को लगभग 45 दिनों में पूरा करने का वादा किया है। प्रभास प्रशांत के प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हैं और उत्साहित हैं कि वे सालार के अपने हिस्से को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े सितारों की बड़ी डेट शेड्यूल होती है, कभी भी किसी बड़े स्टार को 45 दिनों में एक फिल्म पूरा करते नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रभास इस उपलब्धि को सालार के साथ हासिल करेंगे। प्रशांत नील के निर्देशन वाली फिल्म फरवरी में फ्लोर पर आ जाएगी और प्रभास के पहले शेड्यूल से ही इस फिल्म से के जुड़ने की उम्मीद है। प्रभास के कई प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट दीपिका पादुकोण के साथ भी थी, जिसके टाइटल के बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं आई थी, ना ही इसकी कोई तारीख बताई गई थी। ये फिल्म कब से शूट होगी? और लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि दीपिका ने प्रभास के साथ अपनी फिल्म की तारीख ऋतिक रोशन की फिल्म को दे दी है। काफी समय से इन दोनों के नाम की चर्चा हो रही थी, आखिरकार अब उनकी फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है और बताया जा रहा है कि ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म का टाइटल फाइटर रखा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि दीपिका और प्रभास की फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन करने वाले थे, लेकिन अब इन साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है। फिल्म की अनाउंसमेंट पिछले साल ही हो गई थी और बताया गया था कि साल 2021 से इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन किसी न किसी वजह से इस फिल्म में लगातार देरी हो रही है। प्रभास भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट के साथ व्यस्त हैं, उसमें उनकी प्रशांत नील द्वारा निर्देशित की फिल्म सालार और ओम रावत की फिल्म आदि पुरुष है, इस वजह से फिल्म की बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसी वजह से दीपिका पादुकोण ने अपनी इस फिल्म की तारीख को ऋतिक रोशन की फिल्म को दे दी और इस फिल्म की शूटिंग मई में होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म में देरी होने लगी तो दीपिका ने दूसरी फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर की जून से शूटिंग शुरू होगी। ये दोनों पहली बार साथ काम करने वाले हैं और अब देखते हैं उनकी जोड़ी लोगों को कितनी पसंद आती है। आपको क्या लगता है, आप उस जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने।